नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। फूड रेसिपी विद रॉय चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे नमकीनी सेवैया। तो सेवैया की खीर तो आपने काफी बार खाई होगी, तो आज हम इसे थोड़ा सा चटपटा बना लेते हैं। हमने यहाँ 200 ग्राम सेवैया ली है, साथ ही हमने बटर लिया है। बटर की जगह आप तेल या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हमने 7 से 8 काजू लिए हैं और उसी के साथ हमने 8 से 10 मूंगफली के दाने लिए हैं। थोड़ा सा लिए हमने ऑरिगेनो, 1 गाजर ली है मीडियम साइज की जिसको हमने बारीक बारीक चॉप किया है। थोड़े से लिए हैं मटर, 1 हमने ली है शिमला मिर्च जिसको भी हमने बारीक काट लिया है। 3 हमने लिए हैं हरी मिर्च जिसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। और सेवैया को हमने हल्का खट्टा करने के लिए थोड़ा सा नींबू लिया है। 1 हमने मैगी मसाला लिया है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, थोड़ा सा हमने लिया है जीरा और स्वाद अनुसार लिया हमने नमक। तो शुरू करते हैं सेवैया को बनाना। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे और कढ़ाई में हम डालेंगे बटर। तो हमने थोड़ा सा बटर डाल दिया है और साथ ही थोड़ा सा बटर रख लिया है। तो बटर को हम मेल्ट होने देते हैं। तो बटर हमारा मेल्ट हो चुका है और अब हम बटर में डालेंगे सेवैया। और सेवैया को हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक हल्का ब्राउन कलर से आ नहीं जाता। और गैस की फ्लेम को हमें यहाँ लो ही रखना है। अगर आप हाई फ्लेम पर रोस्ट करते हैं तो ये जल भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारी वर्मी चिल्ली है उस पर कलर अच्छा सा आ चुका है। तो इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो कढ़ाई को हमने फिर से गैस पर चढ़ा दिया है और जो हमने बटर रखा था बचाकर उसको अब डाल देंगे कढ़ाई में और बटर को हम थोड़ा पिघलने देते हैं। तो बटर हमारा मेल्ट हो चुका है। सबसे पहले हम डालेंगे जीरा। जीरे को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो जीरा हमारा रोस्ट हो चुका है, साथ ही अब डाल देंगे हम काजू और मूंगफली के दाने। इन्हें भी हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। और अगर आपके पास काजू या मूंगफली के सीड्स नहीं हैं तो आप इसके बिना भी इन्हें बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मूंगफली और काजू हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। साथ ही अब हम डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। अगर आप प्याज पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, पर मैं यहाँ प्याज का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो प्याज को मैं हल्का गुलाबी होने तक पका लूँगी, ज़्यादा प्याज को हमें नहीं पकाना है। तो प्याज को मैंने हल्का सा पका लिया है। अब हम डालेंगे यहाँ 1 गाजर। तो गाजर को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और इसी के साथ डाल देंगे शिमला मिर्च और मटर। और अब हम डालेंगे लंबी कटी हुई हरी मिर्च। सभी को अच्छे से रोस्ट करेंगे 1 मिनट के लिए। ज़्यादा हमें इन्हें रोस्ट नहीं करना है। तो सारी सब्जियों को हमें लो ही फ्लेम पर पकाना है। अगर आप हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो हमारी जो सब्जियां हैं वो ज़्यादा पक जाएंगी और इससे जो हमारी सब्जियों का है क्रंचीपन वो ख़त्म हो जाएगा। तो सब्जियों को हमने 1 मिनट पका लिया है और आप चाहें तो यहाँ और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जैसे ग्रीन बीन्स, स्वीट कॉर्न और जो आपको पसंद हो इसके अलावा भी कोई सब्जी। तो सबसे पहले हम डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च और अब हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, साथ ही डाल देंगे नमक। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और मसाले को अब हम 2 मिनट तक पकाएंगे। तो मिर्च मसाले हमारे जो है पक गए हैं और अब हम डाल देंगे सेवैया। तो सेवैया और सब्जियों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम ऐड करेंगे पानी। तो हमने यहाँ 1 कटोरी सेवैया ली है, तो 2 कटोरी हम यहाँ पानी ऐड करेंगे। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी को मिक्स करने के बाद हम गैस का फ्लेम थोड़ा सा मीडियम कर देंगे और अच्छे से बॉयल आने देंगे। तो सेवैया में हमारे अच्छे से उबाल आने लग गए हैं। तो इसी वक्त हमें डालना है नींबू का रस। आप चाहें तो इसकी जगह विनेगर भी डाल सकते हैं।
तो अब इसे हम पकने देंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं सेवैया का जो सारा पानी है वो एब्जॉर्ब हो चुका है। तो इसी वक्त हम डाल देंगे ओरिगेनो और इसी के साथ डाल देंगे मैगी मसाला। तो अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सेवैया हमारी लगभग बन चुकी हैं। एक से दो मिनट हम थोड़ा जो पानी बचा हुआ है इसे पका लेंगे। तो सेवैया हमारी बनकर तैयार है और गैस को बंद कर देते हैं। साथ ही सेवैया को गर्मा गर्मी हम सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो सेवैया एकदम खिली खिली बनी है। अब हम सेवैया को गार्निश कर देते हैं फ्रेश धनिया से। तो इंटरेस्टिंग सी हमारी रेसिपी बनकर तैयार है। आप भी इस रेसिपी को एंजॉय करें, साथ ही आपका अनुभव हमारे साथ शेयर करें। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय।